हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। एंड आज हम एक लास्ट ईयर पासे फिशर का जो 5 मार्क का सवाल आता है उसके बारे में गणना करने वाले हैं। उसके लिए हमने उदाहरण 12 है जो लिया है। तो उदाहरण 12 है पेज नंबर 22 पर। पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं कि सवाल में करना क्या है। तो निम्नलिखित भोजन जन्य चीज वस्तुओं के मूल्य एवं उपयोग विषयक सूचना से वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2016 के लिए लास्पियर पाशर फिशर यानी कि तीनों हमारे जो मैन सूत्र हैं उनका उपयोग करके सूचकांकों की गणना करनी है। हमको क्या दिया हुआ है, वस्तुएं दी हुई हैं चावल, दूध, ब्रेड और केला। इकाई लिखी हुई है किलोग्राम, लीटर, किलोग्राम, दर्जन। मूल्य दिए हुए हैं 40, 44, 50, 36। मात्रा दी हुई है, फिर से मूल्य दिया हुआ है और मात्रा दी है। यहाँ वर्ष 2015 लिखा हुआ है और यहाँ वर्ष 2016 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के जब हमारे सवाल आते हैं तो उनको हल करने से पहले हमारे माइंड में थोड़ी बहुत चीज़ें होनी चाहिए कि क्या क्या हमको करना है उसमें। तो ये हमको ध्यान रखना है क्या, लास्ट ईयर पाशे फिशर का कोई भी प्रकार का सवाल आए तो उसमें हमको सबसे पहले तो देखना है कि हमारा चालू वर्ष कौन सा है और उसके बाद में हमारे पास में आधार वर्ष कौन सा है, यानी कि जो नया वर्ष होगा उसको हम चालू वर्ष लेंगे। कभी कभी इंडिकेट नहीं किया होता कि कौन सा वर्ष आधार वर्ष है, कौन सा वर्ष चालू वर्ष है। तो जो भी नया साल दिखाई दे वो हमारे लिए चालू वर्ष होगा और पुराना साल है जो हमारा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, आधार वर्ष बन जाएगा। अब आधार वर्ष और इसके लिए हमारे पास कोडिंग देनी है क्योंकि सूत्र है वो हमारे कोड्स में होगा। तो आधार वर्ष को हम क्या मानेंगे, 0, और चालू वर्ष को हम क्या मानेंगे, 1। फिर उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें और दी होंगी जहाँ मात्रा होगी। मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जहाँ होगी हमारे पास तो उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, क्यू से। क्वांटिटी को हम किससे व्यक्त करेंगे, क्यू से। और क्वांटिटी के बाद में दूसरी तरफ हमारे पास में होगा मूल्य या तो भाव या तो कीमत। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस। तो उसके लिए कोडिंग क्या होगी हमारी, पी। तो पी होगा हमारे पास, क्यू होगा, 1 होगा और 0 होगा। जब भी लास्ट ईयर पाश्चे का सूत्र बोले तो हमको एक दूसरा कोड ध्यान रखना है कि इजीली अगर सूत्र में कोई भूल नहीं हो तो इस तरह से हमको कोडिंग करनी है उनको। 1101 ये हमारा लास्ट ईयर है और ये हमारा पाशे, और दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो बनता हमारा फिशर। तो ये किस तरह से करना है, अब आगे हम सवाल को देखते हैं और सवाल में से ये चीज़ हम ढूंढ कर लिखते जाएंगे, उनमें कोड वगैरह दे दिए जाएंगे नंबर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं देखो हमारे पास एक साल दिया हुआ है 2016 और 2015। तो हमारे पास नया साल कौन सा है, 2016 नया है और 2015 पुराना दिख रहा है हमको। तो नए साल को हम क्या नंबर देंगे, 1, और जो पुराना साल है उसको हम क्या नंबर देंगे, 0। ओके, उसके बाद मूल्य जहाँ दिखाई देता है हमको वो मूल्य को हम क्या देंगे, पी। और जहाँ मात्रा दिखाई देती है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू। ऐसे ही साइड भी मूल्य जो दिखाई दे रहा है तो उसको पी, और जो मात्रा दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू। तो इस तरह से हमको ये पहले क्वेश्चन के अंदर कोडिंग पेंसिल से दे देने की है, फिर हमारा ये जो सब कुछ है वो हमारे उसमें लिखेंगे और कुछ टेबल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वस्तु दी हुई हैं, तो पहले हम लिखेंगे वस्तुएँ। वस्तुओं में किस किस के नाम दिए हुए, हमको चावल दिए हुई है तो चावल लिखेंगे, बाद में दूध लिखा हुआ है दूध लिखेंगे, ब्रेड भी है तो ब्रेड भी लिख रहे हैं, और उसके बाद में हमारे पास केला भी है तो हम केला भी लिखेंगे। तो जो भी वस्तुओं के नाम दिए हमको वस्तुओं के नाम यहाँ लिख देने हैं। इकाई लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं। फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले तो हमको ये देखना है कि पहले 1 यानी चालू वर्ष, फिर हमको लिखा हुआ मूल्य तो पी 1 क्यू 1, एक के साथ मैच करना, पी के साथ भी इसको मैच करना और क्यू के साथ भी इसको मैच करना, ऊपर जो भी लिखा हो उसको। तो ये हमारा पहला इन्फॉर्मेशन के लिए मूल्य, और किस वर्ष का, चालू वर्ष का मूल्य। तो
चालू वर्ष ये रहा और मूल्य को क्या बोलते हैं पी, तो हमारी पहली कोडिंग होगी क्या P1। फिर दूसरा हमारे पास में क्या मात्रा, मात्रा को क्या बोलते हैं क्यू, तो क्यू के साथ में हमारा कौन सी साल का 2016 नहीं वन का, तो हम लिखेंगे Q1। उसके बाद में हमको दिया हुआ है P और उसके अंदर 0 दिया हुआ है तो P0। ऐसे इस प्रकार इस साइड है Q मात्रा यानी कि हमारे पास में लिखा हुआ है Q और 0 है तो Q0, तो लिखेंगे P0 और Q0। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद में हम चार एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे। उन चार एक्स्ट्रा कॉलम में सबसे पहले हम लिखेंगे खाली पहले PQ 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 PQ। अब उसमें हम लिखेंगे 1000, यानी कि जो हमारा पहला कोड था हमने ये पूरा किया 1001000। उसके बाद में 1101 है तो 1101 हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे। और इसके आगे की जो लाइंस जो हमको ड्रॉ करनी है हम लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको ये पूरा ये सब कोडिंग करने के बाद में जो ड्राइंग करनी है सर करनी है। पहले चार खाने हैं वो हमारे एकदम छोटे छोटे से रहेंगे। उसके बाद में हमको गणना करके लिखनी है, गुणा कर करके लिखना है उनको, तो ये थोड़े हम बड़ा रखेंगे, ये ट्राई करना है। फिर लास्ट में हमको ये टोटल के लिए रखना है। टोटल को हम क्या बोलते हैं स्टेट के अंदर सिग्मा बोला जाता है, तो सिग्मा ऊपर जो है वही P1Q0 है तो P1Q0। फिर सिग्मा P0Q0 है तो सिग्मा P0Q0। उसके बाद में सिग्मा P1Q1 तो सिग्मा P1Q1। फिर सिग्मा P0Q1 तो सिग्मा P0Q1 वहाँ पर लिखेंगे। अब आगे के हम कैसे करना है, तो सवाल जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। इस सवाल के अंदर देखो हमें यार इकाई के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, जैसे कि किलोग्राम, तो किलोग्राम कितने हैं वो नहीं दिए हैं, तो हम उनको एक 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 मान लेंगे, तो उसमें कोई चेंजेस करने के आएंगे नहीं। तो मूल्य लिखा हुआ है 40, तो P1 हमारा होगा 40, 44, 50, उसके बाद में दिया हुआ है सॉरी 40, 44, 50, फिर 36 दिया हुआ है, तो ये 36 हम यहाँ लिखेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है, मिस्टेक्स है उनको इग्नोर करना है। Q1 के अंदर हमको मात्रा में सब लिखा हुआ ही है, 1.5, 10, 1.5, और उसके अंदर दर्जन है तो 1.5 ही रहेगा, बिकॉज़ यहाँ भी दर्जन है, यहाँ भी दर्जन है, यहाँ भी दर्जन है, तो कोई चेंजेस करने का रहेगा नहीं। फिर 39, 40, 45, 30, और लास्ट में हमारे पास एक हुआ 1, 12, 2 और लास्ट में भी 2। अब आगे की गणना हमको खुद को करनी है, किस तरह से करनी है वो देखते जाना है। P1Q0, तो P1 हमारे पास ये रहा और उसको हमको मल्टीप्लाई करना है Q0 के साथ, तो P1Q0 हमारा ये रहा डायरेक्टली, तो 40 एकम 40 हमको यहाँ आएगा। फिर 44 × 12, ओके, तो कितना आएगा हमारा, 44 × 12 करेंगे तो 528 आएगा, तो 44 × 12 एक बार चेक कर लेते हैं, 528। उसके बाद में 50 × 2 तो 100 आएगा, और 36 × 2 तो 72 हमको यहाँ लिखना है। उसके बाद में P0Q0 यानी P0 ये रहा और Q0 रहा, दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे, 39 से कम 39, 12 × 48 तो 480 हमारे पास यहाँ आएगा। फिर 45 × 100 तो 4500 यहाँ लिखना है हमको, और उसके बाद में 45 × 2, 45 × 2 इन दोनों को तो उंगली रख देनी हमको खास तो याद रहे, तो 45 × 2 यानी कितना आएगा हमारा, 90 रहेगा यहाँ। उसके बाद में 30 × 2 तो 30 × 60 यहाँ हमको लिखना है। फिर P1Q1 यानी हमारा P1 और Q1 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × 4 = 60। उसके बाद में 44 × 10 यानी कि 440, और 50 × 1.5 यानी कि 75 वहाँ होगा। उसके बाद में
36 इंटू 1.5 यानी कि 54 हमारा यहाँ पर आएगा। लास्ट में हमारा पी ज़ीरो क्यू वन, तो पी ज़ीरो ये रहा और क्यू वन ये रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको। 39 गुणा 1.5, तो 39 गुणा 1.5 हम करेंगे, कितना आएगा 58.5 हमको वहाँ लिखना रहेगा। उसके बाद में 40 गुणा 10 है तो 400 आएगा। फिर 45 गुणा 1.5 है तो हमारे पास आएगा 67.5। और उसके बाद में हमारे पास आएगा 15 दिया 45 हो गया है तो 45। अब इन सब को हमको टोटल करना है। टोटल करने के बाद वहाँ लिखेंगे, तो पहले वाले कॉलम का टोटल होगा 40 प्लस 528 प्लस 100 प्लस 72, तो हमारे पास आया 740। उसके बाद में 39 प्लस 480 प्लस 90 प्लस 60 करेंगे तो कितना आएगा 669। तो बाजू में हमारा 60 प्लस 540 प्लस 75 प्लस 54 आएगा, 629 होता है तो वो लिखेंगे हम। और उसके बाद फिर से लास्ट वाला बाकी हमारा करना, तो 58.5 प्लस 400 प्लस 67.5 प्लस 45 हमको वहाँ देखना है, तो हमारा आया 571। तो इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। अब हमको हमारे सूत्र लगाने हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले हम लगाएंगे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को हम बोलते हैं IL। पहले जो दो ब्रैकेट हैं उनको एक दूसरे के अपॉन में लिख देंगे तो हमारा लास्ट ईयर, दूसरे दो हमारे पार्श्व और दोनों का मिक्सर होता है फिजर। तो सिग्मा P1Q0, ये जो हमारा पहला वाला है, जो पहला वाला है वो ऊपर और ये दोनों के बटे में रहेंगे। सिग्मा P0Q0 गुणा 100। उसके बाद में हमारे पास में आता है क्या, पार्श्व। तो पार्श्व को बोलते हैं IP। तो वो कैसे निकलेगा, दूसरे जो दो ब्रैकेट हमारे ये क्या पार्श्व, सिग्मा P1Q1 बटे में सिग्मा P0Q1 गुणा 100 हमारा जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा पार्श्व। अब इनको कैलकुलेशन हम पहले कर देते हैं, 740 बटे 671 गुणा 100, तो किस तरह से आएगा ये भी हम देख लेते हैं। 740 गुणा 100 बटे में 671 करेंगे तो कितना आएगा 110.61। उसके बाद में इस साइड का हम देखते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ सिग्मा P1Q1 629 और उसके बाद में बटे में लिखा हुआ हमारे पास 571, तो हम उसको लिखेंगे 571 गुणा 100। तो वही कैलकुलेशन करेंगे हम, 629 गुणा 100 बटे 571, तो हमारा होता है 110.16। और लास्ट में हमको निकालना है फिशर यानी कि IF। अगर IF निकालना है तो उसका सूत्र होता है IL गुणा IP और दोनों का गुणा करने के बाद में हमको रूट करने का होता है, तो 110.61 गुणा 110.16 और उनके बाद में उनका रूट। तो कैसे करेंगे, 110.61 गुणा 110.16 जो भी आता है उसका रूट का साइन दबाएंगे तो कितना आएगा 110.38 या तो 39 भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर रहेगा। इसके पीछे कोई रुपीज़ किलोग्राम वगैरह कुछ नहीं लगाना है क्योंकि सूचकांक वो इकाई मुक्त माप है। अगर आप इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो।